हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को बहुत मैच्योर, बहुत समझदार समझते हैं और सामने वाले को नादान समझते हैं। बट इसका पता कैसे चलेगा कि हम सच में समझदार हैं या फिर सामने वाला सच में बेवकूफ है? तो आज मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाली हूँ जो होती हैं इमेच्योर लड़के में, जो इमेच्योरिटी की निशानी होती है। अगर ये चीजें आप में हैं, इसमें से अगर 4-5 चीजें भी आपके अंदर हैं, तो ये समझ जाइए कि आप एक इमेच्योर लड़के हैं। कौन सी है वो चीजें जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली पहचान इमेच्योर लड़कों की वो ये कि उनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना है, कुछ बनना नहीं है। जिंदगी में बस एक ही चीज मैटर करती है, वो है लड़की। लड़की कैसे पटाए, लड़की को कैसे सेट करें, इसको कैसे बनाएं। वो लड़की मुझे देख रही थी, वो लड़की यार सेट हो गई, उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। तो जिंदगी में आसपास हर वक्त सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़के के अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। ये सबसे बड़ी पहचान है एक इमेच्योर लड़के की, नादान लड़कों की। दूसरी चीज़, आपके अंदर एक फील होगा, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। खास करके लड़कियों के बारे में मुझसे बैठने तो कोई जानता ही नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मुझे कोई क्या सिखा देगा, मुझे कोई क्या बताएगा, मैं बहुत समझदार हूँ। ये वाला जो फील है ना, आप में कूट कूट के भरा है। देखिए, आप अब कहेंगे कि भाई ये तो मैं समझदार हूँ इसलिए सोचता हूँ। नहीं, इस दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी सब कुछ नहीं जान सकता, और ये जानना कि हम कुछ नहीं जानते, ये बहुत बड़ी बात है। आप में एक मैच्योरिटी आती है, बहुत कुछ देखते हैं जिंदगी में, बहुत कुछ जीते हैं। एक पॉइंट पर आपको समझ में आता है कि आपका जो भी ज्ञान है, जिस भी चीज़ के बारे में है, वो सिर्फ एक एक तिनका मात्र है। इस दुनिया में इतना कुछ है जानने के लिए, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, कि आप उसका एक अंश भी नहीं जानते हैं। ये जानकारी आपको तब होती है जब आप में वो लेवल की मैच्योरिटी आती है। जब आप बहुत नासमझ होते हैं ना, तो आपको लगता है आप सब जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है, उसको ये लगता है कि वो सब जानता है, उसको सब पता है, माँ बाप बेवकूफ़ है। लेकिन जब वो बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, तब उसको समझ में आता है कि यार वो कितना बेवकूफ था। तो ये समझना कि हमें कुछ नहीं पता, एक मैच्योरिटी की निशानी होती है जो अभी आप में होगी नहीं। तीसरी चीज़, आपके लिए वही सब कुछ है जो आपने देख लिया। जितना आपको पता है, आप ये सोच ही नहीं पाते कि उसके परे भी दुनिया है। अभी आप सिर्फ अपने घर में, 4 दोस्तों के बीच में, अपने ट्यूशन, अपने स्कूल या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं, उस ऑफिस के अलावा कहीं नहीं गए, आपने दुनिया नहीं घूमी, आपने लोगों को नहीं जाना, आपके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा लोग नहीं हैं, आपको कुछ नहीं पता। बट आपके अंदर ये फील है कि आपने सब देख लिया, आपने ज़िंदगी में इतना एक्सपीरियंस ले लिया, आपको 4 लड़कियों ने धोखा दे दिया, आपको 2 लड़कियाँ यूज़ करके चली गई, और आपके अंदर फील है कि मैंने दुनिया देखी है, मैंने सब तरह की लड़कियाँ देख ली हैं, मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है, मुझे पता है। तो वो पता वाला फील अगेन आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, और ये वाला फील भी होगा कि आप दुनिया देख चुके हो, अब देखने के लिए, जानने के लिए कुछ बाकी है ही नहीं, ये वाला फील आप में ज़रूर होगा। फोर्थ चीज़, आपको अगर कोई इंसान टोक देना कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, या फिर ये काम गलत हो गया, ये काम ऐसे होना चाहिए, तो आप उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। आपको कोई गलत ठहरा दे, ये चीज़ अनबियरेबल है आपके लिए, आप झेल ही नहीं सकते, इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर ईगो भरा हुआ होता है इतना ज़्यादा कि आपके ऊपर उंगली उठा देना, वो इंसान दुनिया का सबसे गंदा इंसान। तो अल्टीमेटली आप वो इंसान है जो कभी अपनी गलती नहीं मानते, जिसको लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, ये वाला फील आप में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, इमेच्योर लड़कों का जो बिहेवियर है वो बहुत लाउड होगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई गलती कर दी, कुछ मिसबिहेव कर दिया, तो आप इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे ना कि आपको होश ही नहीं होगा कि आप उसके ऊपर पब्लिक में चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर सबके आगे डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर एक लाउड बिहेवियर दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी बात बताऊंगी, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, तो मेट्रो में आपको कुछ एक रेयर कपल ऐसा दिख जाएगा जो बिल्कुल ही एक दूसरे के अंदर घुसे जाते हैं।
आप अलग से उनको देख लेंगे कि वो कॉर्नर पे खड़े हुए हैं किसी मेट्रो में और एक दूसरे से एकदम ही चिपक रहे हैं, बिल्कुल भी हवा जाने के लिए भी उनके बीच में गैप नहीं है। हाथ पकड़ के खड़े हैं, लोग बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन इतना चिपक के खड़ा होना ये आपकी इमेच्योरिटी दिखाता है, ये उन लोगों की इमेच्योरिटी दिखाता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है, तो या इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक समझदारी होती है कि यार ठीक है, आप कपल्स हैं, आप एक पार्क में भी बैठ सकते हैं, आप किसी ना प्राइवेट प्लेस पर भी जा सकते हैं और जाते भी होंगे, लेकिन जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको हजारों लोग देख रहे हैं, वहाँ पर आपको ये लगता है कि हम प्यार करते हैं तो हम छुपाए क्यों, हम सबको दिखाएंगे। ये एक बचकाना सा बिहेवियर होता है, ये एक इमेच्योरिटी होती है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये समझ ना आए, एंड आई एम रियली श्योर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में भी आएगी कि ये प्यार नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। प्यार तो आप करते होंगे, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन जो ये बिहेवियर है वो एक इमेच्योर बिहेवियर है। इसके अलावा एक चीज़ आप देखेंगे कि आप ना हर एक चीज़ का मतलब निकालेंगे, हर एक चीज़ का। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो अगर उसने आपको एक बार कॉल नहीं किया, कॉल का रिप्लाई नहीं किया, तो आपका दिमाग चलेगा उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, उसने मुझे आधे घंटे लेट रिप्लाई किया था, इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने मुझे मुस्कुराकर नहीं देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है? मैंने उसको आई लव यू बोला, उसने आई लव यू टू नहीं बोला, इसका क्या मतलब हो सकता है? आप इतनी छोटी छोटी बातों का मतलब निकालते हैं ना, जिसका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप में अभी वो समझदारी नहीं है कि हर एक चीज़ का मतलब नहीं निकाला जाता। इसके साथ ही आप अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं तो आप सुबह शाम जो आपने बिहेवियर देखा है ना, आई लव यू जानू, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये आप सुबह शाम करते हैं। आपको जानना है कि आपका जो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो कब सो रही है, कब जग रही है, कब खाना खाती है, कब नहाने जाती है, कब घर पे होती है, सुबह शाम मैसेज कॉल हर चीज़ जानना, घुसे हुए हो उसकी ज़िंदगी, क्योंकि आपको लगता है कि ये प्यार है, यही दुनिया है, यही सब कुछ है। नहीं, ये आपकी इमेच्योरिटी की निशानी है। अगेन, ये प्यार हो सकता है, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, उस पर मैं उंगली नहीं उठा रही, बट ये जो बिहेवियर है ये एक इमेच्योर बिहेवियर। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है, आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, या फैमिली में कोई आर्ग्यू हो गए हैं, या कोई बड़ा आपको कुछ समझा रहा है, तो आपके अंदर एक अपना पॉइंट प्रूफ करने की एक ज़िद होगी। आप सामने वाले की बात सुनेंगे नहीं, आप सिर्फ बोलने पर फोकस करेंगे, आपका सारा फोकस ये होगा कि देख मैंने ये काम किया ना इसलिए किया, मैंने ये किया वो उसलिए किया। आपको बस और बस अपना पॉइंट प्रूफ करना है, ये समझाना है कि आपने कुछ कर दिया तो क्यों कर दिया। बेसब्री आपकी बातों में होगी, आपके अंदर सब्र नहीं होगा, आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा बिल्कुल भी। ये बहुत बड़ी पहचान है एक इमेच्योर लड़के की। सो ये कुछ निशानियां होती हैं इमेच्योर लड़के की। बट एट लास्ट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप एक इमेच्योर लड़के हैं, अगर ये सब चीजें आप में हैं, तो गुस्सा ना हो, खफा ना हो, उदास ना हो, ये सोच के कि आप समझदार नहीं है, क्योंकि समझदारी मैच्योरिटी वक्त के साथ में आती है, एज के साथ में आती है। आपकी एज में सब लोग इसी तरीके से बिहेव करते थे, हम लोग ऐसे ही बिहेव करते थे। वक्त समझदारी लेकर आता है ज़िंदगी में, जो धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस लेंगे, जैसे जैसे एज गुजरेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी का पड़ाव आप पार करेंगे, वो जो ठहराव है लाइफ में, जो समझदारी है, जो मैच्योरिटी है, वो वक्त के साथ में आएगी, वक्त से पहले नहीं आएगी और आने भी नहीं चाहिए। अपनी एज पर, अपनी एज वाली चीज़ें आप इंजॉय कीजिए, इसमें कुछ बुराई है नहीं। जो समझदारी आनी होगी, जब आनी होगी, जैसे आनी होगी, आ जाएगी। ये आपकी कोई कमी नहीं है अगर आप एक मैच्योर है तो, ये आपकी एज का इम्पैक्ट है जो हम सब पर होता है। लगभग 18 साल के जो लोग होते हैं एक ही तरह का बिहेव करते हैं, 28 साल में एक ही तरह की लगभग मैच्योरिटी होती है। सो एक एक्सपीरियंस पर डिपेंड तो करता है, लेकिन एज बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस वीडियो को देखकर मायूस ना हो, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करें, ज़्यादा मैच्योर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा, ये अपने आप ही होता है, ये आपके करने से नहीं होगा। सो थोड़ा सा तसल्ली रखें, नॉर्मल रहें, खुश रहें।
इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, आप कितने मैच्योर हैं कितने नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है आपके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर मिलूंगी ऐसे ही उसमें वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।